सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक छुरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए यू एंड आई कंपनी का एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि टावर नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों बलून सीरीज से है। तो चलिए आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी और क्या है इसका प्राइस, जो प्राइस में ये मिलता है उस प्राइस में ये परफेक्ट है या नहीं, वगैरह वगैरह सारी बातें। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी अनबॉक्सिंग की वीडियो हम आप तक लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते भी रहते हैं। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है वो पोर्टेबल स्पीकर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं और इसकी अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं। हाइट इसकी ज्यादा है, लगभग 2 फुट जितना है, इतना बड़ा टावर तो मिलने वाला है। और ये यहाँ पे आपको लिखा होगा बलून सीरीज, ये बलून सीरीज से यू एंड आई कंपनी है, फुली मेड इन इंडिया कंपनी। और ये इसका सीरीज दोस्तों UIBS 5148 है, यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप। अब क्या क्या मिलता है इसमें, तो दोस्तों इसमें हमें माइक का सपोर्ट, यानी कि माइक भी साथ में मिलता है हमको, जिसकी वायर की लेंथ लगभग 2 मीटर के आसपास मिलेगी आपको। क्या क्या चीज़ें ये सपोर्ट करती है, तो दोस्तों इसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी आती है, तो दोस्तों 6 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलती है हमको इसमें। और साथ ही साथ इसमें हम मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, कार्ड रीडर वगैरह वगैरह चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो सभी में मिलती है। FM का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, FM भी लिखा है इसमें। ऑक्स केबल और प्रिंस ब्लूटूथ कनेक्टिंग ये सब मिलता है हमें। और क्या क्या है इसके, ओके 20 वाट का है ये, 20 वाट का हमें इसमें इसका जो स्पीकर है वो 20 वाट का है। और क्या क्या है, तो दोस्तों इसकी ब्लूटूथ रेंज 10 मीटर की है, और साथ ही साथ दोस्तों इसका ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का है, जैसा कि इस पर लिखा भी है। डुअल पेयरिंग है, 2 से 3 घंटे का प्लेबैक आपको मिल जाएगा इस स्पीकर में फुल वॉल्यूम पर, और अगर नॉर्मली यूज़ करेंगे तो 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप दे देती है, हालांकि जितना लिखा है उससे कम ही मिलती है। वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सब तो ठीक ठाक है। ओके, तो उतारने के बाद, वस्त्र हरण के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और 6 मंथ की इसमें वारंटी भी मिलती है इस कंपनी की। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स और कुछ ऐसी बॉक्स पैकिंग भी मिलेगी, तो चलिए फटाफट इसको खोल के देख लेते हैं। ये वो चीज है। ओके, तो ये रहा वो स्पीकर, और ये माइक, और ये इसका केबल, जो केबल की लेंथ है वो 3 मीटर है उसमें लिखा ही है। माइक की बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है बट ठीक ठाक है। मेन चीज़ है कि कितने फुट तक आपकी वॉइस कवर कर सकता है ये अपन अभी चेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो माइक्स आती हैं पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर के साथ उसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती, बट अभी चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ब्लूटूथ स्पीकर जिसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। दिखने में आपको एक ढोल जैसा दिखेगा, कुएं जैसा। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है, मैट फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है, यानी कि घर में किसी एक कोने पे आप धर देंगे तो ऑकवर्ड फील नहीं होगा, अच्छा दिखेगा। साथ ही साथ पकड़ने के लिए यहाँ पे एक हैंडल भी दे रखा है। तो ये रही वो चीज़ें जिसका सपोर्ट हमें मिलता है इसमें, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ऑक्स केबल और चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, साथ ही साथ माइक का भी हमें पिन प्लगिंग मिल जाता है। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। लो भाई साहब, इसमें तो बैटरी ही नहीं है। तो चलिए पहले इसको चार्जिंग में लगाते हैं, फिर इसकी साउंड क्वालिटी एक बार सुन लेते हैं। सोके का इस चार्जिंग नहीं था इसलिए हमने चार्जिंग केबल लगा दिया ताकि ये फुली तरह चार्ज हो जाए। सो इसकी छाती पे सांप लौट गया था इसलिए बंद भी हो गया था, लगता है अपन ने सुना ही नहीं था। चार्जिंग में नहीं लगाया हुआ इसलिए बंद भी हो गया, कुछ कह नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लगा एक पल के लिए कि कंपनी में से बंद माल तो नहीं आ गया बट चालू है। ओके, तो इसको ऑन करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ यू एंड आई, द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। सो ऑन करने के बाद इसका आवाज फटाफटा तो नहीं, एकदम क्लियरली आया। और अंदर की साइड आप देख सकते हैं इसकी लाइटिंग इफेक्ट्स, हालांकि अंधेरे में बहुत गजब दिखती है बट लाइटिंग इफेक्ट्स देने के बाद ये नाइट को बहुत अच्छी दिखेगी आपको, अभी तो शायद बहुत कम दिख रही है पर नाइट को अच्छा दिखती है। चलो एक बार माइक घुसेड़ के देखते हैं कि माइक क्या कहना चाहता है, माइक की जो वॉइस क्वालिटी वो किस तरह से आती है। तो
इसका छेद भी खोज खाज के ओके घुसेड़ दिया हमने। हेलो 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 ओके। तो माइक को अगर हम आधा फुट दूर रखते हैं कुछ इतना, तो आपको आवाज जाएगी नहीं, माइक कैचअप नहीं करवाती। हेलो 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 ओके। माइक को अगर प्रॉपरली मुंह के पास रखा जाए लगभग एक या दो इंच दूर, तो कंप्लीट आवाज कैचअप करती है, लेकिन उससे जैसे आप थोड़ा सा दूर लेते जाते हैं कुछ इस तरीके से, हेलो 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 ओके, इतना पास होगा तो आपका आवाज कैचअप करता है, मगर इससे दूर ले जाते हैं तो बिल्कुल ही कैचअप नहीं करता। तो ठीक है, हालांकि जिस अमाउंट में हम इसको परचेस करके लाए हैं उस अमाउंट में ये भी बहुत ही अच्छी बात है। हेलो ओके, तो ये थी माइक की बात। माइक तो प्रॉपर ठीक है, अगर आप दोस्तों 3 इंच से दूर ज़्यादा माइक को ले जाते तो ये वॉइस कैचअप नहीं कर पाता, और प्लगिंग की फिटनेस फिटिंग भी प्रॉपर तो है नहीं। चलिए छोड़ दीजिए इसको, मेन चीज अब अपन को इसका देखना है साउंड क्लियरिटी और वॉइस क्लियरिटी, तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कैसा बजता है। ओके, तो मॉडल नंबर आ चुका है मोबाइल में। The Bluetooth device is connected successfully. ओके, तो चलिए एक सॉन्ग बजा देते हैं। ओके, तो अब एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कि जो इसकी वॉइस क्लियरिटी वो तो एकदम परफेक्ट है, बट ये जब बास इफेक्ट लेती है ओके, तो बास इफेक्ट भी इसका ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा उतना जबरदस्त नहीं है, बट ये है कि जब आप इसको फुल वॉल्यूम में कर देंगे तो भी इसका जो वॉइस है वो फटता नहीं है, फर फुर चर चूर ऐसा कोई आवाज आता नहीं है, एकदम क्लियरली दे रहा है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि फुल साउंड करने के बाद भी है ये वॉइस फटती नहीं है। तो चलिए एक और गाना बजा के देख लेते हैं बास वाला। ओके गाइस, जब हम इसका बास इफेक्ट का जो साउंड देखो मैंने लगा के रखा है, सो गाइस बास इफेक्ट में भी ये फटता नहीं है, हल्का सा वाइब्रेशन क्रिएट करता है, यानी कि ये जो इसके बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें हल्का सा वाइब्रेशन क्रिएट होता है, बट फटता नहीं है आवाज, बहुत ही अच्छी तरह से मॉडिफाई किया है इसको ताकि वॉइस भी फटे नहीं। हालांकि हो सकता है इसका जो स्ट्रक्चर उस हिसाब से ये बॉडी वाइब्रेशन हो रही है बट वॉइस फट नहीं रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों फाइनली इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ये आपको मार्केट में लगभग 1600 से 1800 के बीच पड़ जाएगा, वही अलग अलग सिटी अलग अलग रेट ऐसा ही कुछ चलता रहता है, बट इसके साथ आपको 6 मंथ की वारंटी भी मिलती है और बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बट 1600-1800 रुपये में अगर हमें वारंटी गारंटी के साथ ऐसा पोर्टेबल स्पीकर मिलता हो, जो अगर आपने आपके घर पर कथा वथा ऐसी कोई चीज़ रखी हो तो ये स्पीकर बहुत ही काम का है, जो भी कथा करने है उसके मुंह में घुसेड़ दो ये माइक और आराम से कोई भी कथा करवा सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोग्राम फंक्शन हो ये घर पे आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।